गुड इवनिंग टू ऑल. गुड इवनिंग बच्चों. एंड आई कैन सी हियर हीना, अंश, राखी, वेरी गुड इवनिंग. रोशनी, रुचि, वेरी गुड इवनिंग. फरा, तो सभी बच्चे लगभग तैयार हैं और क्लास में पहुंच रहे हैं. सो गाइज, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है और आज हमारी सेट वन, वी डू हैव दिस प्रैक्टिस सेट वन फॉर LT, सुपर टेट, टेट एंड सी टेट. बिकॉज द नियरेस्ट एग्जाम इज द सुपर टेट, और वो भी कौन सा है, हमारा जूनियर वाला. सो हमारा फोकस अभी जूनियर वाले पे रहेगा, बट क्वेश्चंस जो वहां पे होंगे दैट वुड बी रियली एप्रिशिएबल फॉर LT एंड टेट एंड अदर एग्जाम्स. जी संध्या, राकेश, प्रमीत, पलक, पूनम, मोहिनी, वेरी गुड इवनिंग बच्चों. जी बच्चों, बहुत अच्छे. थैंक यू कविता. ऑल राइट हीना, ठीक है बच्चों. तो चलिए शुरू करते हैं, आज अपना पहला सेट शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का, और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन. गाइस, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज को सबसे पहले लिया है, यानी वी वुड बी वर्किंग ऑन शेक्सपियर. आज हम शेक्सपियर के कुछ वर्क को, ऐसे वर्क देखेंगे जो कॉमनली सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो शेक्सपियर, अगर हम लिटरेचर की बात करें, अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो ऑब्वियसली शेक्सपियर को हर जगह पे पूछा जाता है. हाँ जी बिल्कुल मोहिनी, उन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे. जी तो सब बच्चे बताएं, क्वेश्चन नंबर वन आपका यहां पे है. क्वेश्चन नंबर वन वी सी शेक्सपियर बोर्न एट. देखो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि कहां पे उनका जन्म होता है, तो स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, कई बार यहां अपोन आ जाता है. अगर मैं आपको गूगल की बात बताऊं, गूगल कहता है अपोन, स्ट्रैटफोर्ड अपोन एवन, तो करेक्ट तो वही है, लेकिन कुछ जगह पे ओन भी है बच्चों, लेकिन ये अपोन सही है. स्ट्रैटफोर्ड अभी कहता है कि स्ट्रैटफोर्ड वाज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वाज बोर्न. व्हाट वाज एवन, एवन बेसिकली क्या थी? तो कई बच्चों ने जवाब भी दे दिया है यहां पे, वेरी गुड. रिवर, बहुत अच्छे. संध्या, हीना, बिल्कुल सही है. राखी, प्रमीत, वेरी गुड. कविता, जी बच्चों. मोहिनी, रीना, बिल्कुल सही है. फरा, तो बच्चों अगर हम इसका आंसर देखें तो ऑब्वियसली बनेगा अ रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रैटफोर्ड वाज सिचुएटेड. तो देखो कह रहे स्ट्रैटफोर्ड वाज द नेम ऑफ द टाउन, बेसिकली उनका गांव था. आप इसे टाउन कह दो या गांव कह दो, एक ही बात है लगभग. तो स्ट्रैटफोर्ड वाज द गांव एंड एवन वाज द नदी. इसी वजह से एक सब्रिकेटिंग के नाम पे जुड़ता है, बार्ड ऑफ एवन. अगर आपने पढ़ा हो बार्ड ऑफ एवन, ये टाइटल किसको दिया गया है? शेक्सपियर को. तो देखो बच्चों, बार्ड का मींस होता है पोएट से, इसका मतलब पोएट ऑफ एवन. बाकी नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड इनको बोला ही जाता है, बार्ड ऑफ एवन इनको बोला ही जाता है, बाकी सब चीजें जानते हैं आप लोग. तो आंसर यहां पे हमारा क्या बनेगा? तो ये बच्चों आंसर बनेगा वन का सी. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू. हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? बहुत ध्यान से आंसर करना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. तो बताएंगे सब बच्चे, हाउ मेनी प्लेज वर रिटन बाय शेक्सपियर? कितने प्ले बच्चों उन्होंने लिखे थे? तो आंसर कीजिए आप लोग, 37, 38, देखो 39 और 36 तो बात छोड़ देंगे, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन रहता है. 37 बच्चों ने आंसर दिया है, ओके ठीक है. याद रखो बच्चों, जो करेक्ट आंसर है वो 38 है आपका. आपको पता है पेरिकल्स, पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, बाद में जोड़ दिया गया था, 38 बन जाते हैं. अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा, राइट. द टाइम यू वुड चेक द गूगल, या फिर मतलब जैसा भी वहां आंसर बने उसके, लाइक यहां पे 38 ना हो तो आप 37 लगाएंगे, लेकिन अगर 38 37 दोनों है तो ऑब्वियसली 38 को आप आंसर बनाएंगे. क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? जी बहुत अच्छे. क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं. थ्री कहता है हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? अगर आप बच्चों को पता हो तो सोनेट की राइम स्कीम पूछी गई थी आपसे रीट वाले एग्जाम में. सोनेट की बच्चों राइम स्कीम पूछी गई थी आपसे किसमें? आपके रीट वाले एग्जाम में, जो कि आपने एक ही दिन पहले की थी. 154, बहुत अच्छे बच्चों. तो ये 154 है, बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पे ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, नहीं नहीं एक ए बी ए बी, गलत हो गया. कैसे बनेगा? ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, और बच्चों लास्ट में जी जी. ये आपका क्या बन जाता है? कपलेट बन जाता है. तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. तो यही आपका क्वेश्चन था वहां पे, है ना कि ये था. तो 154 इन्होंने सोनेट्स लिखी थी, इसी पर्टिकुलर फॉर्म में लिखी गई थी. क्वेश्चन नंबर फोर हमारा कहता है व्हाट इज द शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस?
सब बच्चे बताएंगे वीनस एंड एडोनिस बेसिकली क्या है। हां जी आंसर कीजिए, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, नैरेटिव पोएम है या बच्चों रोमांस है। हां बिल्कुल सही है संध्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अच्छा मोहिनी आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं बेटा इसमें पढ़ते जाएंगे आप लोग। अच्छा प्रवीण ठीक है प्रवीण, हम डेली क्लास लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये प्रॉब्लम इधर से नहीं हो रही है लाइक हाँ प्रवीण क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है बेटा, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की, इधर ठीक है सब कुछ। हाँ फर्स्ट एयर ऑफ माइन मेंशन बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों ध्यान से देखो ये नैरेटिव पोएम है ना, याद आ रहा है आपको नैरेटिव पोएम, द टाइम वहां पे ब्लैक डेथ फैली हुई थी, इसका मतलब है कि प्लेग फैला हुआ था उस समय पे, थिएटर्स बंद थे। तो दो नैरेटिव पोएम इन्होंने लिखी थी, वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बड़ी बात यह है कि इसी को इन्होंने नाम दिया था फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन, फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन, ये बहुत बार पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में, तो ये भी याद रखेंगे सब लोग। करेक्ट बच्चों अगले क्वेश्चन को देखेंगे, फाइव नंबर हमारा क्वेश्चन आ गया। फाइव नंबर कहता है टू होम डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बेसिकली किसको डेडिकेट की थी ये आपको बताना है। जी बच्चों ऑल राइट हिना मनु वेरी गुड इवनिंग, राखी ने सी आंसर दिया अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है बच्चों, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन बहुत बार पूछा गया है। और जरा मुझे बताइए अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को बेसिकली इसका नेम क्या था, भाई अर्ल तो है ये साउथहैम्पटन का, बस इसका नेम क्या था, देखते हैं कौन बच्चा बताता है आप में से। लेट मी सी हु अमंग यू विल टेल व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ दिस पर्सन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, इसका वास्तविक नेम बच्चों था क्या, हमें यह देखना है। ओके जी मोहिनी बेटा इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सरे हेनरी रियोत्सले, ये बिल्कुल सही है राखी, इसका नेम बच्चों क्या था यहां पे, नेम वॉज हेनरी रियोत्सले, हेनरी रियोत्सले है ना, अगर आपको याद हो तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है और ये डिस्कशन में जरूर आया है। करेक्ट बच्चों, जी बच्चों बहुत अच्छे बेटा, इसके लिए जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम है वो इसके लिए पढ़ें है ना, शेक्सपियर को पढ़ें और यहां पे रिवाइज करें तो चीजें बढ़िया आपकी तैयार हो जाएंगी। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर, क्या कहा, एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स, कि वो हमारे फेदर से ब्यूटिफाइड है, अप स्टार्ट क्रो है, ये कमेंट एक तरह से देखे तो किसने किया था, ये क्रिटिसिज्म में आता है बच्चों। हाँ ग्रीन बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, इट वॉज रॉबर्ट ग्रीन है ना, और रॉबर्ट ग्रीन इन सेवन यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे बच्चों, क्या थे, सेवन यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे, करेक्ट होगी बात, तो मुझे रॉबर्ट ग्रीन। और मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं कि शेक्सपियर का थिएटर में होना कब हमें पक्का पता चलता है, उसका प्रूफ क्या है, द वेरी फर्स्ट प्रूफ इज द कमेंट ऑफ रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन ने जब एक कमेंट किया तो हमें पता चलता है कि शेक्सपियर वॉज एक्टिव इन द थिएटर्स, देखो कितनी बड़ी बात है यहां पे, तो ये भी आप याद रखेंगे कि हमें यहां से पहली बार पता चलता है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे सब बच्चे, हु रोट द मेलिशियस पैम्फलेट एंटाइटल क्या था, अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बोट विद मिलियन ऑफ रिपेंटेंस है ना, अगेंस्ट शेक्सपियर, तो बताएंगे आप किसने लिखा, रॉबर्ट ग्रीन, किड, पील या फिर जॉन लिली। हाँ 1592 राखी, बिल्कुल बहुत अच्छे राखी ने अच्छा तैयार किया है, मुझे अच्छा लग रहा है, अभी कई एग्जाम आने वाले हैं बेटा, उसमें जम के दिखाना है। ठीक है जी, तो क्या बनाएंगे इसमें, आंसर करें सब बच्चे, सेवन का बी ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है, एक्चुअली सेवन का ए ही बनेगा, ए ही आंसर बनेगा ना, ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बोट विद मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, ये किसने लिखा है, ये भी रॉबर्ट ग्रीन ने ही लिखा है, इट वॉज रॉबर्ट ग्रीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु रिडिकल्ड, देखो बच्चों रिडिकल्ड का मीन्स है मजाक उड़ाना, किसने मजाक उड़ाया शेक्सपियर का ये कहते हुए कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, अगर मैं बता दूं यही सेम कमेंट चार्ल्स लैम्ब के लिए भी आता है बच्चों, चार्ल्स लैम्ब के लिए सेम कमेंट वॉज देयर, तो बताओ मार्लो, बेन जॉनसन, स्पेंसर या फिर सिडनी, बेन जॉनसन, बहुत अच्छे बिल्कुल सही आंसर है, इट वॉज बेन जॉनसन, तो बेन जॉनसन ने बेसिकली उनको क्या कहता है, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक,
का मतलब है लैटिन उसको स्मॉल आती है और ग्रीक उनको बिल्कुल नहीं आती, लेस ग्रीक, क्योंकि ग्रीक वो जानते ही नहीं थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 9, हु सेड शेक्सपियर शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज, मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, रस्किन या बच्चों टीएस इलियट। अच्छा नीलम आपने भेजी है, ओके ओके ठीक है ठीक है, हीना इनकी एक्सेप्ट करें आप रिक्वेस्ट को। रस्किन, बहुत अच्छे सभी बच्चों ने करेक्ट बताया है, बहुत अच्छे, ये हमारा रस्किन बनेगा। ऐसे कहेंगे कि रस्किन बड़ा रशिया था, रस्किन बड़ा रशिया था इसलिए कह रहा था कि शेक्सपियर में ओनली हीरोइंस हैं ना कि हीरोज हैं। कर सकते हैं सब बच्चे इसको, यस बच्चों बिल्कुल कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर, 10 नंबर कहता है ड्राइडन्स प्ले, क्या प्ले है बच्चों इनका, ऑल फॉर लव, ये आपने पढ़ा भी था, ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर प्लेज, ये कौन सा प्ले था शेक्सपियर का जिसपे बेस्ड है ऑल फॉर लव, रिटन बाय ड्राइडन। हां जी सब बच्चे आंसर करेंगे, बहुत अच्छे। 9 का बी आपने बताया, 10 का ए, ओके मीनाक्षी, बाकी बच्चे बताएं, बहुत अच्छे। 10 के लिए पात्रा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बच्चों मैं बता दूं एंटनी के लिए पात्रा था ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, इसके लास्ट फ्यू आवर्स होते हैं, लास्ट फ्यू आवर्स मतलब जो दोनों मरने लगते हैं तब की कहानी है, वो ऑल फॉर लव में ली गई है। तो लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ देयर लाइफ हैव बीन टेकन बाय ड्राइडन इन द ऑल फॉर लव। बाकी कैरेक्टर्स वगैरह देखे तो सेम वही है जो आपको एंटनी क्लियोपात्रा में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सब बच्चे, देखो 11 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द फ्रेज व्हाट इज इन अ नेम, ये कहां पे आती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज इन अ नेम, अ रोज विल स्मेल द सेम स्वीट बाय एनी अदर नेम ऑल्सो। हां जी मनु बहुत अच्छे, वेरी गुड हिना, ये बच्चों रोमियो एंड जूलियट बनेगा। इसमें कौन कहती है, जूलियट कहती है जब उसे पता चलता है कि रोमियो उसके दुश्मन वाली फैमिली से है। करेक्ट बच्चों, बहुत अच्छे, रोमियो एंड जूलियट बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द टाइटल ऑफ द नॉवेल, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, टाइटल ऑफ द नॉवेल, नॉवेल कौन सा है बच्चों, द साउंड एंड द फ्यूरी, ये हमने किया भी था क्वेश्चन, रिमाइंड अस ऑफ शेक्सपियर, ये शेक्सपियर के किस वर्क को रिमाइंड करता है, हेमलेट को, ओथेलो को, किंग लियर को या बच्चों मैकबेथ को। तो आंसर बताएं सब बच्चे, ओके 11 का सी रीना ने कहा है किंग लियर को, मैकबेथ को अना, ओके अभिदा ने कहा है सी, ज्यादातर बच्चे सी कह रहे हैं, डी भी कह रहे हैं, मीनाक्षी ने डी कहा है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, ये डी बनेगा मैकबेथ, है ना, मैकबेथ में हम इसको देखते हैं। अभी थोड़ा सा हमें और एक अगले क्वेश्चन पता चलेगा इसके बारे में, तो साउंड एंड फ्यूरी जो किसने लिखा था, अब ये भी बताओ हु हैड रिटन दिस साउंड एंड द फ्यूरी, बताइए बच्चों, ये भी याद होना चाहिए कि साउंड एंड फ्यूरी बेसिकली लिखा किसने था, ये भी तो क्वेश्चन बनेगा ना आपका। फॉकनर रीना, बहुत अच्छे, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है ये बच्चों, फॉकनर बनेंगे, एफ ए यू एल के एन ई आर, अमेरिकन राइटर हैं फॉकनर, विलियम फॉकनर। जी नीलम बिल्कुल ठीक हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर, ऑल्डस हक्सले टुक द हिंट ऑफ द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो क्वेश्चन पूछा है शेक्सपियर के किस वर्क से लिया गया था, इज फ्रॉम शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल, मिडसमर नाइट्स ड्रीम या एंटनी क्लियोपात्रा। जी बच्चों बताइए, टेम्पेस्ट से, बहुत अच्छे अविदा, करेक्ट आंसर जा रहा है, कविता, हीना बहुत अच्छे, नीलम, अनंत, पंकज, राखी बिल्कुल सही है बच्चों। अच्छा ये बताओ, ये तो आपने बता दिया, ये जो ब्रेवो न्यू वर्ल्ड है इस लाइन को बोलता कौन है, इसमें टेम्पेस्ट में, टेम्पेस्ट में बच्चों इसको बोलता कौन है, हमें तो याद ही नहीं रहा, देखते हैं आप में से कौन बताता है। यस बिल्कुल ठीक जा रहा है राखी, रीना, नीलम, मिरांडा, नीलम बहुत अच्छे, मिरांडा इज द हीरोइन ऑफ दिस वर्क, है ना, तो यही बोलती है ओ ब्रेवो न्यू वर्ल्ड, बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा अनंत, ब्लर अगर हो रहा है बेटा तो आप इसकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, बस इस वजह से हो रहा होगा ब्लर, बाकी तो यहां से ठीक है सब कुछ। अगले क्वेश्चन को देखें, शेक्सपियर्स किंग लियर, ध्यान से देखो, शेक्सपियर्स किंग लियर वॉज गिवन अ हैप्पी एंडिंग बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेराइट्स, तो कौन सा प्लेराइट था जिसने हैप्पी एंडिंग दी थी किंग लियर को, बताइए, ऑटवे, नथानियल ली, नाहम टेटे, ये नाहम है बच्चों, एन ए एच यू एम है,
नाहम टेटे या फिर जॉर्ज फार्कर। नाहम टेटे, बहुत अच्छे आबिदा रीना, करेक्ट आंसर कर दिया आप लोगों ने। ये बच्चों आंसर आपका सी बनेगा। और मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे ही कौन थे बच्चों, देवर द पोएट लॉरिएट। ये कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे पोएट लॉरिएट रहे थे, तो नाहम टेटे भी एक पोएट लॉरिएट रहे हुए हैं। जी रूबी, बिल्कुल ठीक है। एकता, करेक्ट हो गया आंसर। कविता, राखी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। देखो वर्क क्या है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये किसने लिखी है, रॉजर्स ने, पिकॉक ने, चार्ल्स लैम्ब ने या फिर जॉन क्लेयर ने। तो क्या आंसर करेंगे बच्चों हम, 15 क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा। लैम्ब ने, बिल्कुल ठीक है आबिदा, गुड। इंद्रावती, बिल्कुल ठीक है, मजा आ रहा है। इसका मतलब ये है सभी ने सही, मनु, कविता, राखी, रूबी, हीना, पंकज, अनंता, राखी, सभी ने। इसका मतलब ये है बच्चों कि पीछे जो आपने पढ़ा था अभी, है ना, हमारा कुछ दिन का गैप हो गया इसमें, है ना, 5-7 दिन से 5-6 दिन से हम क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको याद है चीजें, इट्स ग्रेट। इसका मतलब क्लास हमारी काफी इफेक्टिव रही है बच्चों, क्लास हमारी इफेक्टिव रही है। एग्जाम आने दो, मैं आपको बता देता हूं कि पीजीटी में कई सारे बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए इलाहाबाद। अभी मुझे ये देखना है कि आप में से जूनियर सुपर टेट में, एलटी में और कमिंग एग्जाम में कौन कौन बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू देने, मुझे ये देखना है बस। तो आंसर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पे सी बनेगा, वेरी गुड, चार्ल्स लैम। बिल्कुल ही ना, यही बात होगी, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये हमारा हो गया ना, यस, चार्ल्स लैम। इन विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्योरिटन्स, मतलब शेक्सपियर प्योरिटन्स को अटैक करते हैं किस वर्क में, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, एजुलाइकिट या फिर मच एडो अबाउट नथिंग। यस बच्चों, क्या आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, बताइए आप लोग, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। डी आपने कहा है पंकज, ओके, बी आपने कहा है, कुछ बच्चों ने बी कहा है, डी कहा है, ए कहा है मनु ने, जी शिव गगन, वेरी गुड इवनिंग रूबी रीना। बच्चों ये आंसर आपका बी बनेगा। अगर आपको याद हो ट्वेल्थ नाइट में जो वहां पे जो सर्वेंट होता है, मनवोलियो, क्या नाम है उसका, उसको पूरी तरह से वो क्या करते हैं, बार में भेज देते हैं, बिहाइंड द बार कर देते हैं, मनवोलियो, याद आ रहा है आपको। और मारिया जो होती है वो उसको फोर्ज लेटर लिखती है, तो ये सारी चीजें वहां पे बनेगी। तो 16 का आंसर हमारा क्या बनेगा, बिफोर बॉम्बे, ट्वेल्थ नाइट, करेक्ट एवरीवन। जी कई बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है यहां पे, कितना अच्छा कोटेशन दी गई है। कोटेशन है आपकी, एज कैन नॉट विदर हर नोर कस्टम स्टेल, अबाउट हुम आर दीज लाइन्स स्पोकन, किसके बारे में बोली गई है लाइन, बताइए बच्चों। एज कैन नॉट विदर हर नोर कस्टम स्टेल, स्टील है बच्चों, STEAL, क्लियोपात्रा के बारे में, बिल्कुल ठीक है, ठीक है राखी, मलवोलियो है। तो ये बच्चों क्लियोपात्रा में आता है, क्लियोपात्रा इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसके बारे में बोली जाती है लाइन कि एज कैन नॉट विदर हर, एज उसको मुरझा नहीं सकती और ना ही कस्टम उसे चुरा सकते हैं, करेक्ट बच्चों। 17 का सी आंसर बनेगा। इमोजन इज द हीरोइन ऑफ, ये आपको क्वेश्चन देखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इमोजन को आप किसकी हीरोइन देखते हैं, किस वर्क में हीरोइन है, सिंबेलिन में, पेरिकल्स में, विंटर्स टेल में या फिर टेम्पेस्ट में। वेयर डू यू फाइंड इमोजन एज द हीरोइन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो आंसर करेंगे सब लोग, जी बच्चों आंसर करेंगे, यस बच्चों, देर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ द नेटवर्क। हाँ जी, क्या क्लास मिल गई है बच्चों सबको वापस, आई होप कि क्लास में आप लोग बैक हो गए हैं और शुरू करते हैं अपने वर्क को फिर से।
नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम थी क्योंकि अभी भी बारिश वारिश का मौसम बना हुआ है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन वहीं से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है इमोजन इज द हीरोइन ऑफ, तो आपने क्या आंसर निकाला था बच्चों इसका? वुट आंसर हैड बीन देयर बाय यू पीपल, तो इट वॉज सिंबेलिन। तो ये सिंबेलिन की बेटी है इमोजन, अगर हम देखें तो सिंबेलिन की क्या है, शी इज द डॉटर, तो बेटी ऑफ सिंबेलिन इज द इमोजन, करेक्ट बच्चो, एंड शी इज द हीरोइन ऑफ दिस, वो इस प्ले की हीरोइन भी है। ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अच्छा कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है, वो बार बार थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है जी, सिंबेलिन बनेगा एग्जैक्टली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हु इज द ऑथर ऑफ क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसिडर्ड, शेक्सपियर्स सोनेट्स रिकंसिडर्ड, ई एम फॉरेस्टर, बटलर, ऑडेन या फिर बच्चों चार्ल्स लैम, किसका आंसर करेंगे आप इसमें से? हु वुड बी आंसर्ड एज अ Yes, बच्चों बताइए, आंसर कीजिए। 19 का बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, ये हमारा सैमुअल बटलर बनेगा, इट इज सैमुअल बटलर, करेक्ट बच्चों। तो सैमुअल बटलर हैड रिटन शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसीडर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीफेस टू शेक्सपियर किसने लिखी थी, कौन इसका ऑथर है, सब बच्चों को बताना है। डॉक्टर जॉनसन है, हेजलिट है, आपको बताना है आर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, हेजलिट या बच्चों कॉलरिज, प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो 20 का हमारा आंसर क्या बनेगा आपके अकॉर्डिंग, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बटलर, बिल्कुल ठीक है, पीछे वाले का बटलर हो गया बच्चों। ट्वेंटी का ए आप कह रहे हैं, ज्यादातर बच्चों ने कहा हेजलिट आंसर बनेगा बच्चों, इट इज विलियम हेजलिट, है ना, ये हेजलिट है जिसने लिखा था प्रीफेस टू शेक्सपियर, राइट बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज रिटन, टुडे वी डू हैव 30 क्वेश्चंस फॉर यू, तो यहां पे लिखा है हु हैज रिटन क्रिटिकल बुक, क्रिटिकल बुक कौन सी है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, तो बताइए बच्चों किसने लिखा है, एडिशन, कॉलरेज, हेजलिट या फिर आर्नोल्ड जी। संध्या सी आंसर कह रहे हैं आप, हेजलिट ने, ओके। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, पीछे वाला एक मिनट देखें हम, प्रीफेस टू शेक्सपियर, ट्वेंटी वन का ए एडिशन, ओके ठीक है, प्रीफेस टू शेक्सपियर, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लीज। बच्चों इसका आंसर तो बिल्कुल पक्का है, सी है, ये 100% सी है। एक बार पीछे वाले को रिकंसिडर करते हैं, ये जो लिखा है प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये किसने लिखा है, इसको फिर से ध्यान करो, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, डॉक्टर जॉनसन ने, कॉलरिज ने या फिर हेजलिट ने, ये बताइए आंसर। अच्छा हां, बफरिंग कंडीशन अगेन हो रही है, मैं देख पा रहा हूं राखी, एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लगता है एक बार मैं इसको ठीक करके देख लेता हूं बच्चों, जी ये प्रॉब्लम नेटवर्क की आ ही रही है, इसका मतलब सब जगहों पे है। जी 20 का आपने बी बताया, डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बिल्कुल ये भी मुझे लग रहा है ये गलत हो गया है हमारा, इसको हम सही करेंगे, इट वुड बी सैमुअल जॉनसन ना कि हेजलिट,
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 है बच्चों, इसका 100% हेजलिट बनेगा, ये करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं 22। नेम द प्ले इन विच हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द फोर्थ एक्ट एंड द प्ले कंटिन्यूज टू द फिफ्थ एक्ट। ये आपको बताना है, मतलब कहने का यहां पे क्या है कि फोर्थ एक्ट में ही हीरो डाई हो जाता है लेकिन फिर भी प्ले कंटिन्यू रहता है फिफ्थ एक्ट तक। तो ये कौन है हमारा, कौन सा वर्क है, किंग जॉन, रिचार्ड द सेकेंड, कोरिओलिस, या फिर एंटोनियन क्लियोपात्रा। डी आंसर दिया है आपने, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर, एंटोनियन क्लियोपात्रा। सब बच्चों को याद है एंटोनी का डेथ होना और उसके बाद में क्लियोपात्रा है ना, जॉनसन ही है, बिल्कुल ठीक है रूबी, ऑल राइट, हमने उसको ठीक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, नेम द प्ले इन विच हीरो एंड द हीरोइन डाइड टुगेदर। ऐसा कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसमें हीरो और हीरोइन टुगेदर डाई करते हैं, एंटोनी क्लियोपात्रा, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, या फिर मैकबेथ। जी बच्चों 22 का डी हो गया, तो हमारे 23 का आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23? ओके 23 का सी, बिल्कुल सही आंसर सी बनेगा, रोमियो एंड जूलियट। सब बच्चों को पता है कि लास्ट में जहां बरियल होता है वहां पे जूलियट और रोमियो दोनों ही, रोमियो पहुंच जाता है, जूलियट ऑलरेडी डेड दिखाई जाती है, यहां पे पोशन ले रखा है उसने, तो रोमियो डाई हो जाता है जहर खा के, उसके बाद में जूलियट भी जहर खा के मर जाती है, तो साथ साथ इनकी डेथ होती है, ऐसे समझेंगे। सो 23 का हमारा सी बनेगा। 24 का बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले। देखो क्या कह रहे हैं, नॉट अ रोमन प्ले, बताइए बच्चों इन चारों में से कौन सा रोमन प्ले नहीं है, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। एंटोनियन क्लियोपात्रा, कोरिओलिस, टाइटस एंड्रोनिकस एंड टाइमन ऑफ एथेंस। यस बच्चों बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 23 का सी। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए उसका आंसर है ही नहीं, सी बनेगा, एंटोनियन क्लियोपात्रा, सॉरी रोमियो एंड जूलियट। एंटोनियन क्लियोपात्रा एक साथ नहीं मरते, बाद में मरते हैं, अलग अलग मरते हैं। 24 का ए आपने बताया है बच्चों, अगर हम देखेंगे पहले तीन इनके रोमन प्ले हैं और यही तीन रोमन प्ले हैं शेक्सपियर के। अगर हम देखें टाइमन ऑफ एथेंस, तो बच्चों ये इसमें से रोमन प्ले नहीं है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, डी। सो 24 का, हां जी बिल्कुल ठीक है राखी, तो आंसर 24 का हमारा डी बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। सब बच्चों ने इसको बहुत बार पढ़ा है, बट आपको आज देखना है कि कहां पे अपीयर होती है लाइन। दिस लाइन अपीयर्स इन विच प्ले, इन विच पर्टिकुलर प्ले दिस लाइन अपीयर्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, या बच्चों रोमियो एंड जूलियट। अच्छा अच्छा हां, जूलियस सीजर भी है, बिल्कुल सही है रीना, जूलियस सीजर भी वहां पे है। फोर रोमन प्ले है, करेक्ट बात है। तो आंसर करें, मॉर्निंग वाली शालू करेंगे जल्दी ही, 10 के बाद में शुरू कर देंगे, 10th के बाद। 25 का सी आंसर है, ओके बच्चों ये आंसर बनेगा आपका बी, एज यू लाइक इट। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी, एज यू लाइक इट, 25 में। डन एवरीवन, तो हम इसमें आंसर क्या बनाएंगे अपना, आंसर हमारा बी बनेगा, एज यू लाइक इट। 26, फेलिटी दाई नेम इज वुमेन, फेलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये किस प्ले में टाइटल ये लाइन आती है, ओथेलो में, हैमलेट में, किंग लियर में, या बच्चों मैकबेथ में, आंसर कीजिए। तो क्या आंसर बनेगा हमारा, बी, हैमलेट, बहुत अच्छे बच्चों ये हैमलेट बनेगा। हैमलेट में बेसिकली हैमलेट अपनी मदर के लिए ये लाइन यूज करता है, उस लाइन में अगर हम देखेंगे तो क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि फ्रेलिटी को वुमेन बताया गया है यहां पे, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, तो यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा सेट है यहां पे, नीदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑप्ट लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड। तो बच्चों बताओ ये लाइन किस वर्क में, कॉटेड फ्रॉम हेमलेट, ये आपको पता चल गया हेमलेट में थे, कौन कहता है इस लाइन को, हेमलेट, पोलोनियस, होरेशियो, या फिर लार्टीज। पोलोनियस, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी, बिल्कुल सही है, हां इंक्लूड करेंगे बिल्कुल राखी, तो ये आंसर बच्चों आपका बी बनेगा, पोलोनियस है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी गुड आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है,
देयर इज अ डिवाइनिटी दैट शेप्स अवर एंड्स रफ ह्यू देम हाउ वी विल फ्रॉम विच प्लेस आर दीज लाइन्स कोटेड. ये लाइन्स कहां से आती हैं? देयर इज अ डिवाइनिटी दैट शेप्स अवर एंड्स हैमलेट से, ओथेलो से, किंग लियर से, या बच्चों मैकबेथ से. अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट आपने नहीं देखा था, इट्स ऑल राइट. तो बच्चों क्या आंसर बनेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ओके, मैकबेथ ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चों ने ए भी आंसर दिया है. तो आंसर बच्चों इसका हैमलेट बनेगा. आंसर क्या होगा हमारा? हैमलेट, ए आंसर बनेगा आपका. तो इट वुड बी ए. तो आंसर हमारा क्या? हैमलेट. ये भी लाइन हैमलेट से ली गई है. ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. 29 कहता है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ. कावर्ड्स डाई, अगर आपने देखा हो तो ये बहुत बार पूछा गया है. मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ द वैलियंट नेवर टेस्ट डेथ बट वंस. सिर्फ एक बार मरते हैं जो कौन होते? बहादुर. तो किससे लिया गया? जूलियस सीजर. एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, जूलियस सीजर. और इस लाइन को बोलता भी जूलियस सीजर अपनी वाइफ से, करेक्ट. तो ये लाइन जूलियस सीजर की है और ये जबरदस्त लाइन है अपने आप में, करेक्ट बच्चों. अगला क्वेश्चन 30 नंबर पे जाता है. कहता है देखो यहां पे क्या खाली जगह है. लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी. अभी आपने क्वेश्चन देखा था ना, साउंड एंड फ्यूरी का टाइटल किस वर्क से लिया गया था? देखो यहां से लिया गया था. ये लाइन है वो जिसमें लिया गया था. और इसको किसने लिखा था? फिर फॉकनर ने, FAULKNER, फॉकनर, है ना. तो आंसर क्या बनेगा हमारा? मैकबेथ, ए आंसर बनेगा. एग्जैक्टली करेक्ट बच्चों. तो देखो हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है. टुडे हमने 30 क्वेश्चन इसमें किए हैं, है ना, 30 क्वेश्चन किए हैं. अब मैं धीरे धीरे इसमें इंक्लूड करता जाऊंगा आपके वोकैबुलरी को और आपके लाइक हम ग्रामर वाले पार्ट को, उसको इंक्लूड कर लेंगे. आज से बस शुरू हमने कर दिया है कि लिटरेचर वाले पार्ट को इस तरह से लेंगे. ठीक है बच्चों, तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे सब बच्चे, और अपने वर्क पे लगातार फोकस करेंगे. ठीक है जी, कोशिश करेंगे हम कल भी आपकी क्लास लेंगे टाइम से, और इसी तरह से सब बच्चे अपना वर्क करते रहेंगे. कोशिश करूंगा मैं कि इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए आपको, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बढ़िया से वर्क करते रहे. बस मेरा यही एक ड्रीम है कि आप सब बच्चे आगे बढ़ें, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे पढ़ के टीचर्स बनेंगे वो उतना ही याद करेंगे. जहां जहां भी जाएंगे वहां वहां मिलेंगे, मजा आएगा लाइफ में. ऑलराइट बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम. ठीक है राखी, ऑलराइट. ठीक है रूबी, ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है. तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल फिर. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम. जी बिल्कुल ऐसा ही होगा. हां जी बच्चों, हाँ जी शालू बेटा, आप इसको करते रहो, आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. अच्छा सतीश, रीट में 20, बहुत अच्छी बात है. 23 कम नहीं होते हैं, बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, आई वुड से एक्सीलेंट. ओके बच्चों, मिलते हैं कल. थैंक यू सो मच, बाय बाय.